खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो नेता जो आकर चुनाव के सामने पाकिस्तान चुनाव के समय पाकिस्तान की बात करते हैं आपके सामने, दूसरी चीजों की बात करते हैं लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। चोरी किया है, ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति है, दुर्प्रचार की राजनीति है और झूठों की राजनीति है। और अगर जनता जागरूक बन जाएगी, पहचान लेगी इन्हें, तो ये राजनीति बंद हो जाएगी। मैं जब भदोही गई थी तो एक गांव में कुछ औरतों ने मुझे बुला लिया कि आप ऊपर आइए मंदिर में, तो मैं चली गई तो वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने कहा कि दीदी आप ये यहां पे ऐलान कर दो कि ये जो पुल है यहां से नदी के पार आप इसको बनवा देंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा मुझे माइक पकड़ा दिया और मुझे डर लगा। मेरे दिल में मुझे लगा कि मैं कैसे कह दूं कि मैं यहाँ पुल बनवाऊंगी जब मुझे मालूम नहीं है कि इस पुल का खर्चा कितना होगा, कि ये पुल बन भी सकता है कि नहीं, कि सरकार ये बनाना चाहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ऐसा कैसे कह दूं सबके सामने कि मैं ये पुल बनवा दूंगी। तो ये जो डर है जो मेरे दिल में उस समय पैदा हुआ कि मैं गलत बात नहीं कह सकती जनता के सामने, ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। और इस डर को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे? हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट है मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। इसे जो आपको झूठ बोलता है, जो आपका काम नहीं करता, उसे मत बढ़ाइए आगे। जो भाजपा की राजनीति है, तमाम प्रचारों की राजनीति है, जमीनी राजनीति नहीं रही है। जनता से अब ताल्लुक नहीं है इसका, हवा में उड़ गई है। इनको सबक सिखाइए। जो जीवन आप जी रहे हैं ये असलियत है इनकी राजनीति की। कि किसान प्रताड़ित है, कि नौजवान प्रताड़ित है, कि महिला असुरक्षित है, कि कर्मचारी प्रताड़ित है, ये है असलियत। और इस असलियत को आप अच्छी तरह जानते हैं, इस सच्चाई को आप जी रहे हैं। तो जागरूक होना आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। आप जागरूक बन जाएं तो ये लोग इस देश का नाश नहीं कर सकते जिस तरह से करना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं। कैसे? जो संस्थाएं हैं इस लोकतंत्र में जो आपको मजबूत बनाती हैं, उनको दुर्बल बनाना चाहते हैं ताकि आप दुर्बल बन जाएं। जहां जहां मैं जा रही हूं उत्तर प्रदेश में, जो आवाज उठाता है और प्रदर्शन करता है मुझे कहता है कि दीदी हमारी पिटाई की गई। मैं तो एक महिला से मिली, एक अध्यापिका थी, प्रदर्शन के लिए चली गई क्योंकि उनका वेतन नहीं मिला था। उनकी ऐसी पिटाई की गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे रासुका का कानून लगाया, राष्ट्र सुरक्षा का कानून एक अध्यापिका पे, क्योंकि अपना वेतन मांग रही थी। मैं बनारस के विद्यार्थियों से मिली, उन्होंने मुझे कहा दीदी जब हमने प्रदर्शन किया हमारी पिटाई की गई। क्यों? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब जनता आलोचना करती है, जब जनता प्रदर्शन करती है, जब जनता अपना अधिकार मांगती है, तो जो सत्ता में है उसे खुश होना चाहिए कि जनता कुछ कह रही है। सुनो कि
नौजवान में इतनी ऊर्जा है कि वो आवाज उठा रहा है, अपनी मांग, अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके ये आप पे एहसान कर रहे हैं, ये सोचते हैं। इन्हें एहसास नहीं है कि आपने बनाया है इनको, तो ये एहसास दिलवा दीजिए। आपका चुनाव आ रहा है, राहुल सचान जी जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन से उठे हैं, काम करते हैं, गांव गांव जाते हैं। मैं इनके साथ जब पिछली बार यहाँ फतेहपुर आई तो गांव में घूमी थी, गांव वाले पहचानते हैं इनको, जानते हैं कि ये काम करते हैं, इसीलिए हमारे उम्मीदवार बने हैं, इसीलिए हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप राजनीति को बदलिए, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज देश खतरे में है। ये फूट की राजनीति है और नकारात्मक राजनीति है, इसे आप परे करिए और एक ऐसी राजनीति लाइए जो आपकी बात करे, जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो उनका हल करे, उनका हल करने का पूरा प्रयास करे और आपके प्रति समर्पित रहे। यही बातें कहनी थी। जब वोट डालने जाएंगे तो जरा मन में रखिएगा और भारी बहुमत से राहुल जी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।